अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयशा लेक्चर्स। आई एम डॉक्टर आयशा। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बैक के मसल्स को। ये वो वाले सारे बैक के मसल्स नहीं स्टडी करेंगे, सिर्फ वो वाले मसल्स को स्टडी करेंगे जो हमारी बैक के मसल्स जो अपर लिम के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, लिवेटर स्कैपुला हो गया, जैसे रोम्बाइड मेजर है, माइनर है, ट्रेपीजियस है, इसके अलावा लेटिसमस डोर्साई है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे लिवेटर स्कैपुला को, इसकी ओरिजिन, इंसर्शन, इसको नर्व कौन से सप्लाई करी है, ये कौन से एक्शन परफॉर्म करते हैं, सारी चीज़ें सारे मसल्स की देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले लिवेटर स्कैपुला है, लिवेटर स्कैपुला। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं कि लिवेटर स्कैपुला जो है ना, ये C1 C4 वर्टिब्रीज जो है ना, यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, ये जो C1 C2 है ना, इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और C3 C4 जो है ना, इसके पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं ना हमारे पास वर्टिब्रीज के। मैं साथ में फिर जब एडिट करूँगी पिक्चर एक ऐड कर दूँगी दिखाने के लिए ट्रांसवर्स प्रोसेसेस की, और इसके अलावा जो उसके ट्यूबरकल्स हैं उनकी, ताकि आपको क्लियरली आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। C3 C4 के जो हमारे पास है ना पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स ट्रांसवर्स प्रोसेस के, वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं C1 C2 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से। तो बेसिकली आपने इतना याद रखना है कि ये जो है ना ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ओके। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि ये जो इंसर्ट कहाँ पे आगे होता है। इंसर्ट हमारे पास होता है सुपीरियर एंगल एंड अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। ये हमारे पास स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है, तो उसके अपर पार्ट पे जाके ये इंसर्ट हो जाते हैं, ओके। अब जो इसकी नर्व सप्लाई है वो डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई इसको करती है, ठीक है। उसके अलावा ये एलिवेट करता है स्कैपुला को, मतलब ऊपर को उठा, ऊपर को जो है ना वो उठाता है, एलिवेट करता है स्कैपुला को, ओके। अब अगला हमारा मसल है रोम्बाइड माइनर। रोम्बाइड माइनर जो है ये हमारे पास C7 और T1 से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, और लोअर पार्ट ऑफ द लिगामेंटम, ये हमारे पास है लिगामेंटम नुकाय, ठीक है, इसके लोअर पार्ट से कुछ थोड़ा सा, और C7 और T1 से ओरिजिनेट होते हैं, और ये हमारे पास जो स्पाइन है ना स्कैपुला की, वहाँ पे आके इंसर्ट हो जाते हैं। इसकी नर्व सप्लाई भी सेम है जैसे लिवेटर स्कैपुला की थी, लिवेटर स्कैपुला, रोम्बाइड माइनर, रोम्बाइड मेजर, इन तीनों की नर्व सप्लाई सेम है, इन तीनों को डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। और इसके और रोम्बाइड मेजर और माइनर, और इन दोनों का एक्शन भी सेम है, दोनों रिट्रैक्शन में हेल्प आउट करते हैं। लिवेटर स्कैपुला क्या था, एलिवेट करा रहा था, और ये दोनों क्या करा रहे हैं, रिट्रैक्ट। अब इनके नाम में देखो, इनके नाम में है रोम्बाइड मेजर और माइनर, आर से हो रहे हैं, ठीक है, और इनका काम भी आर से है। अच्छा, तो मैं आपको देखो बताती हूँ ना हमेशा कि नाम के ऊपर फोकस करना है, जो भी मसल पढ़ रहे हैं ना उसका नाम देखना है। रोम्बाइड है, रिट्रैक्शन करा रहा है, ठीक है, दोनों रोम्बाइड्स मिलकर रिट्रैक्शन कराते हैं। लिवेटर स्कैपुला, लिवेटर, लिवेटर पे फोकस करें, एलिवेशन करा रहा है। तो नाम के अंदर ही उनके एक्शन छुपा हुआ है, उनकी ओरिजिन इंसर्शन भी आपको पता चल जाएगी कुछ मसल्स की, कोई ना कोई चीज़ उनके नाम के अंदर छुपी है। तो सबसे पहले अपने नाम के ऊपर फोकस करना है, जो भी मसल का नाम होगा, ठीक है, क्योंकि मसल का नाम ऐसे ही दिया गया है कि वो उसकी लोकेशन के हिसाब से सारा कुछ, ठीक है। अब हम अगला मसल देख लेते हैं, रोम्बाइड मेजर। रोम्बाइड मेजर हमारे पास जो है ना T2 और T5 से ओरिजिनेट होता है, और सुपरास्पाइनस लिगामेंट्स पे, और इसके अलावा ये इंसर्ट हो जाता है हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे, ठीक है, लेकिन बिलो द स्पाइन, ये है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो ये जो मसल है ये बिलो द स्पाइन ऑफ स्कैपुला आगे इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे बैक के तीन मसल्स हो गए, इन तीनों को की नर्व सप्लाई सेम है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई है, और कुछ थोड़े बहुत जो इनके एक्शंस हैं वो भी इनके नामों से मिलते जुलते हैं। रोम्बाइड की बात करेंगे तो रोम्बाइड रिट्रैक्शन करा रहे हैं, लिवेटर स्कैपुला की बात करेंगे तो लिवेटर जो है वो हमारे पास एलिवेशन करा रहे हैं, ठीक है। अब हम अगला मसल देखते हैं, ओके। तो अगला जो हमारा मसल है वो है लेटिसमस डोर्साई मसल। ये जो मसल है ये हमारे पास पूरी जो है ना, यहाँ से ओरिजिन इसकी काफ़ी लंबी ओरिजिन है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो मसल है ये हमारे पास एक तो आइली क्रस्ट से ओरिजिनेट होता है, T7 T12 जो वर्टिब्रीज है ना, ये यहाँ से इनकी स्पाइन से ओरिजिनेट होता है, T7 T12 की स्पाइन से, आइली क्रस्ट से, ठीक है।
इसके अलावा जो लंबर और सैक्रल स्पाइंस है ना, उनके ऊपर फेशियास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ से जो है ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तीन जगहों से इसकी रीजन हो रही है, बल्कि चौथा इसमें ये इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसकी जो लेटिसमस डोर्साई है ना, इसकी हमारे पास ओरिजिन में चार चीज़ें हैं। एक तो T7 T12, ठीक है, ये इनकी स्पाइंस। दूसरा इन्फीरियर एंगल हमारे पास स्कैपुला का। तीसरा लंबोसैक्रल फेशिया इन्वॉल्व होता है। चौथा हमारे पास ये जो इन्वॉल्व हो जाती है आइली क्रस्ट, भूल गई मैं, आइली क्रस्ट से, ठीक है। चार चीज़ें हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। और इंसर्ट हमारे पास कहाँ पे होता है, ये सीधा जाके इंसर्ट नहीं होता, बल्कि अपसाइड डाउन जो है ना ट्विस्ट होके इंसर्ट हो जाता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के ऊपर। ह्यूमरस जो है ना बोन, उसके इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के ऊपर जो आके अपसाइड डाउन ट्विस्ट होके इंसर्ट होता है, ठीक है। और पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला भी बनाता है, तो ये भी कह सकते हैं कि एक्जिला भी इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है इसकी इंसर्शन में। लेकिन बेसिकली ये सीधा आके, हम इसको कहेंगे कि ये फौरन से आके सीधा आके अटैच नहीं होता, बल्कि ट्विस्ट होके फिर अटैच होता है कहाँ पे, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के ऊपर, ठीक है। अब इसके अलावा इसकी जो हमारे पास नर्व सप्लाई है, वो थ्रैकोडोर्सल नर्व इसको सप्लाई करती है लेटिसमस डोर्साई मसल को। इसकी जो रूट है वो हमने देखी थी C6 और C8 जो है ना वहाँ से है। और इसके अलावा इसका जो एक्शन है, बहुत सारे एक्शन हैं, ठीक है। ये एडक्शन कराता है, एक्सटेंशन कराता है, मीडियल रोटेशन कराता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल ये एडक्शन हमने कहा है, एक्सटेंशन का है और मीडियल रोटेशन का है, ठीक है। आप अपना अपना जो हाथ है उसको अपनी बैक साइड पे लेके जाएं, जैसे स्कैपुला को ऐसे स्क्रैच नहीं कर रहे हो तो इस तरह स्क्रैच करें लेके जाके, तो आप देखेंगे कि एक्सटेंशन भी हो रही है, एडक्शन भी हो रही है और मीडियली रोटेशन भी हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा हम इसको क्लाइंबिंग मसल भी कहते हैं, ठीक है। और कफिंग में, स्नीजिंग में, स्विमिंग, क्लाइंबिंग हो गया, पुलिंग हो गया, इन सब चीज़ों में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला मसल है, वो हम नेक्स्ट पेज पे है, मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो मसल है वो है ट्रेपीजियस। काफ़ी एक बड़ा मसल है कह सकते हैं आप। इसकी भी ओरिजिन मुख्तलिफ जगहों से हो रही है, इंसर्शन भी मुख्तलिफ जगहों पे जाके इसकी हो रही है। तो सबसे पहले इसकी ओरिजिन जो हम देख लेते हैं, ये देखो सुपीरियर निकल लाइंस जो होती हैं वहाँ से ओरिजिनेट होता है। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटब्रम से ओरिजिनेट होता है। तीसरा हमारे पास लिगामेंटम न्यूकाई से ओरिजिनेट हो रहे हैं। उसके बाद C7 स्पाइन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और T1 T12 जो है ना इन सब से ओरिजिनेट हो रहा है इनकी स्पाइन से, ठीक है। C7 से T12 तक की स्पाइन से ओरिजिनेट हो रहा है, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि लिगामेंटम न्यूकाई से। तीसरी बात ये होगी कि सुपीरियर निकल लाइन से। चौथी बात ये होगी कि एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटब्रम्स, ठीक है। तकरीब इसकी भी आप ये समझ लें कि चार मेन चीज़ें हैं जहाँ से ये ओरिजिन इसकी हो रही है। ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारे पास है ना ट्रेपीजियस, जैसे हमने पहले देखा था कि लेटिसमस डोर्साई सिर्फ एक ही जगह पे इंसर्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये एक ही जगह पे इंसर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये कि इसके तीन तरह के फाइबर्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं। लेटिसमस डोर्साई एक ही जगह ह्यूमरस के इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस पे आके इंसर्ट हो गया था, ठीक है। अब हमने इसकी ओरिजिन तो देख ली कि चार मुख्तलिफ जगहों से इसकी ओरिजिन हो रही है, लेकिन अभी हमें इसके इंसर्शन देखने हैं कि ये कहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। तो इसके जो अपर फाइबर्स हैं ना, जो यहाँ से सुपीरियर निकल लाइंस, लिगामेंटम निकाई, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटब्रम्स, यहाँ से जो आ रहे हैं, ठीक है, ये आके इंसर्ट हो जाते हैं क्लेविकल के ऊपर, ठीक है। लेटरल 1/3 ऑफ दी क्लेविकल पोस्टीरियर बॉर्डर पे आके इंसर्ट हो जाते हैं अपर फाइबर्स। इसके बाद जो मिडल फाइबर्स हमारे पास आते हैं C7 से, ठीक है। ये जो मिडल फाइबर्स आते हैं और C7 और T1 से, यहाँ से तकरीबन ये जो आ रहे हैं ये वाले फाइबर्स मिडल वाले, ये आके अपर लिप ऑफ द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला के ऊपर, यानी इसके स्पाइन के ऊपर वाले हिस्से पे मिडल फाइबर्स आके इंसर्ट हो जाते हैं। पीछे बचे जो हमारे पास लोअर फाइबर्स होंगे, लोअर फाइबर्स आके हमारे पास मीडियल पार्ट ऑफ द स्कैपुला के ऊपर, जहाँ पे ट्राइंगुलर सा एक एरिया बन रहा होता है, वहाँ पे आके इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद इसके जो हमारे पास नर्व सप्लाई है वो है एसेसरी नर्व, ठीक है। इसको सप्लाई करती है ट्रेपीजियस को। इसके अंदर ये है ना, यहाँ से थोड़ा बहुत याद रख लो अगर आपको रहे, कि इसको एसेसरी नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है इसके एक्शंस भी काफ़ी सारे हैं। अपर फाइबर्स जो है, अगर हम अपर फाइबर्स की बात करें तो ये लिवेटर स्केपुला के साथ मिलके लिवेटर की बात की हमने, ठीक है। पहले भी मैंने कहा कि नाम के अंदर राज छुपा है, लिवेटर की बात की, एलिवेट कराएगा इसके, ठीक है, शोल्डर को श्रगिंग कराएगा, और इसके अलावा जो है ना एक्सटेंड करेगा नेक को, दोनों साइड के इसके अपर फाइबर्स, दोनों साइड के अपर फाइबर्स मिलके एक्सटेंड करेंगे। उसके अलावा जो मिडल फाइबर्स हैं वो रोम्बॉइड, अपर फाइबर लिवेटर के साथ मिल गए, लिवेटर ऊपर था ना यहाँ पे प्रेजेंट, इसके अपर फाइबर्स, मिडल फाइबर्स तकरीबन यहाँ पे हैं, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रोम्बॉइड्स प्रेजेंट हैं इसके नीचे वाले, ये सुपरफिशियल है, डीप जो है ना वो रोम्बॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो रोम्बॉइड्स के साथ मिल के ये रिट्रैक्शन करा रहे हैं, रोम्बॉइड क्या करा रहे थे, रिट्रैक्शन करा रहे थे। तो आपने चीज़ों को कोरिलेट करने हैं, ठीक है। इसके अलावा पीछे बचे हमारे पास लोअर फाइबर्स हमारे पास करा रहे हैं, अपर फाइबर्स और लोअर फाइबर्स मिल के जो है ना सीरेटर इंटीरियर के साथ मिल के ये सारे जो है ना वो रोटेट कराते हैं स्कैपुला को फॉरवर्ड, और एबडक्शन कराते हैं बाय ऑन द 90 डिग्री। जब हम 90 डिग्री से ऊपर ज़्यादा एबडक्शन करानी हो तो उसमें जो है ना ये सीरेटस इंटीरियर के साथ मिल के काम करते हैं। हमने देख लिया कि अपर फाइबर्स लिवेटर के साथ मिल के काम कर रहे हैं और एलिवेशन करा रहे हैं, मिडल फाइबर्स हमारे पास रोम्बॉइड्स के साथ मिल के काम कर रहे हैं और रिट्रैक्शन करा रहे हैं, लोअर फाइबर्स हमारे पास अकेले बेचारे बच गए, वो सीरेटस इंटीरियर के साथ दोस्ती कर लेते हैं और बियॉन्ड द 90 डिग्री एबडक्शन में रोल प्ले कर लेते हैं। दैट्स इट, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।